हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन देख लेंगे। तो ये इट इज दैट पॉइंट ऑफ सेल्स, ये एक ऐसा पॉइंट है सेल्स का जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस दोनों इक्वल होता है। ये एक इसको जीरो पॉइंट ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब देर इज नो नेट लॉस और नो नेट नेट गेन्स, ठीक है। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, द ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन लेवल रिप्रेजेंट द सेल्स वैल्यू इन आइदर यूनिट और रेवेन्यू टर्म्स, जो कि रिक्वायर होता है टू कवर टोटल कॉस्ट, कॉस्टिंग ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। टोटल प्रॉफिट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज जीरो। आगे चलते हैं, आगे आता है हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करना आसान है। देखिए, यहाँ पे आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे सेल्स पर यूनिट से और माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे। सो यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा है, एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट शो करता है। तो फिगर वन शो ब्रेक इवन चार्ट ऑफ अ फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑन टोटल कॉस्ट। यहाँ देखिए, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व, द फिगर शो दैट द फर्म ब्रेक इवन एट यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एट दिस पॉइंट देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इट इज बियॉन्ड द दिस पॉइंट दैट द फर्म विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। इस पॉइंट के बाद फर्म फॉर प्रॉफिट स्टार्ट करेगा लेना और इसी पॉइंट के बाद फर्म का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स अ फर्म इन कीपिंग अ क्लोज चेक ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच द फर्म कैन अर्न इट्स टारगेट प्रॉफिट। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको, यदि आप कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज यू कैन।